तो यही वीडियो मैं आपको बनाने सिखाऊंगा, वो भी बहुत ही आसानी से। अगर आप भी ऐसी वीडियो बना के अपने रील्स में अपलोड कर दो ना, तो आपकी वीडियो में ढेर सारे लाइक्स और व्यूज आने वाले होंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल में आपको रील्स वायरल वीडियो एडिटिंग वीडियोस मिलती है और मिलती रहेंगी। तो दोस्तों आ गए अपने अपनी मोबाइल की स्क्रीन में। इस तरह की वीडियो बनाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। उस एप्लीकेशन का नाम दोस्तों वी एंड वीडियो एडिटर, ये वाली एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगी। आप वहां जाके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद इस एप्लीकेशन को अपन कर लेंगे ओपन कर लेंगे। जैसे ये एप्लीकेशन ओपन हो जाती है, नीचे आपको प्लस का आइकन शो होगा, उसमें आपको नए क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है न्यू प्रोजेक्ट आ जाएंगे। फिर यहाँ से आपको अपने फोटो वाला ऑप्शन में आना आएगा। यहाँ से आपको अपनी एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है, सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ से आपको ब्लू वाले टिक वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक कर देते हो तो आपकी फ़ोटो इस एप्लीकेशन में ओपन हो जाएगी। तो पहला काम अपन को करना है दोस्तों, ऊपर आपको लिखा हुआ मिलेगा ओरिजिनल, उसमें आपको नए क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको 9:16 जो अपने रील्स का फुल स्क्रीन का साइज होता है, उसके यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से आगे आना है, तो देखेंगे ब्लैक कलर का वाटरमार्क ऐड हो जाता है, उसको यहाँ से आप कर देंगे डिलीट। डिलीट करने के बाद आपको अपनी फ़ोटो का साइज कर देना है कम से कम 7 सेकंड तक, इस तरीके से खींच के, ठीक है। तो आप कर देंगे 7 सेकंड तक, और यहाँ से आपको एक्सपोर्ट कर लेना है। एक्सपोर्ट करने से ये होगा दोस्तों कि जब आप अपनी फ़ोटो को एक्सपोर्ट कर लोगे, वीडियो बना लोगे, फिर हम जब उसमें बीट लगाते हैं तो अच्छे से बीट लग जाएगी और एफेक्ट भी अच्छे से लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको बैक हो जाना है और फिर प्लस आइकन में करना है क्लिक, वीडियोस एंड फोटोज़ आ जाना है। जिस वीडियो को अभी आप एक्सपोर्ट करेंगे, मतलब अपनी फोटो को, उसके यहाँ से आपको वापस सेलेक्ट करना है और ब्लू वाले टिक वाले ऑप्शन में कर देना है क्लिक। जैसे ही क्लिक कर देंगे तो आपकी जो वीडियो रहेगी वो आ जाएगी, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आपकी पहले फोटो रहेगी, तो उसको आप क्या करेंगे, यहाँ से कर देंगे डिलीट। डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद अब इसमें ऐड करना है हमें म्यूज़िक, तो हमें क्लिक करना है म्यूज़िक वाले आइकन में। म्यूज़िक पे आ जाएंगे, यहाँ से आपको क्लिक करना है प्लस में। नीचे आपको थर्ड नंबर में एक ऑप्शन जो करेगा एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो, मतलब कि आप जिस वीडियो को सेलेक्ट कर लेंगे उसका साउंड बस आएगा, वीडियो नहीं आएगी। तो इसमें अपन को करना है क्लिक। क्लिक कर देंगे। अब साउंड के लिए आपको एक वीडियो को डाउनलोड करना पड़ेगा, उस वीडियो का मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, और टेलीग्राम चैनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिंपली से आपको उस लिंक में करना है क्लिक, टेलीग्राम चैनल कर लेंगे ज्वाइन, और वहाँ से आपको इस वीडियो को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो आपको ऐसे इस तरह से करना है इस वीडियो में क्लिक, जो भी नाम आप लिखना चाहते हैं वो नाम यहाँ से आप लिख देंगे और ओके में आपको कर देना है क्लिक। फिर ऐसे आपको चूज पे क्लिक करना है, म्यूजिक बीट पे आ जाना है। अब इसमें दोस्तों आपको ढेर सारी बीट लगाना है, ठीक है। अब बीट कैसे लगाते हैं, नीचे आपको फ्लैग वाला ऑप्शन शो होगा रेड कलर का, उसमें आप क्लिक कर देंगे तो जो आपकी बीट रहेगी वो लग जाएगी। अब दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें पूरी 22 बीट है, तो अब एक ही बीट मैं आपको बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसका एक मैं चार्ट बना के ऊपर आपको लिख के दे दूंगा, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, और जब आप अपनी वीडियो को बनाओगे तो आप उससे बीट लगा लेना, ठीक है। बीट लगाने के यहाँ से आपको टिक पे क्लिक कर देना है, तो आप देखेंगे आपकी बीट यहाँ पर लग गएगी। तो आपको आना है सबसे पहले यहाँ लास्ट में, ठीक है, इतना आना है। तो जो आपकी वीडियो जो एक्स्ट्रा जा रही है कि साउंड से, ठीक है, उसको आप कर देंगे स्प्लिट। जो आपका एक्स्ट्रा पार्ट होगा उसके यहाँ से कर देंगे लीड। लीड करने के बाद आपको क्या करना है, दोनों उंगली से पूरा जूम कर लेना है इस तरीके से, और जहाँ जहाँ आपकी बीट है ना वहाँ वहाँ आपको इस तरीके से क्लिक करके स्प्लिट कर लेना है, ठीक है। तो जल्दी से मैं अपनी सारी वीडियो में स्प्लिट कर लेता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों आप, मैंने बीट के अकॉर्डिंग सब जगह स्प्लिट कर लिया है, आप भी इस तरीके से स्प्लिट कर लीजिएगा। स्प्लिट करने के बाद इसमें अपन को लगाना है एफेक्ट्स। तो देखिए आपको ऐसे में एफेक्ट्स बताऊंगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आपको थर्ड नंबर के प्लस आइकन में करना है क्लिक, वीडियोस एंड फोटोज़ में आ जाना है। तो जो वीडियो को आप स्टार्टिंग डाउनलोड करेंगे साउंड के लिए, वही वीडियो को आपको यहाँ वापस सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद आपको इस वीडियो को इस तरीके से करना है छोटा, और यहाँ पे इस तरीके से आप लगा देंगे। तो अब आपको इस वीडियो के अकॉर्डिंग अपनी वीडियो में एफेक्ट्स लगाना है। तो ठीक है, आप देखेंगे पहली फोटो सिंपल है, यहाँ से आपको जो वीडियो ये पलट गएगी तो आपको लास्ट में आना है। इसमें आपको जो अपना सेकेंड पार्ट है फोटो का, इसको आप कर देंगे मिरर। फिर यहाँ से आपको आगे बढ़ना है, तो इसमें आप देख रहे दोस्तों हो गया फ्लिप, तो आपको कर देना क्या, इस तरीके से फ्लिप कर देंगे, ठीक है। यहाँ से आप कर देंगे इसको फ्लिप, फ्लिप कर दिए, और यहाँ से आपको आगे बढ़ना है। तो इसमें आप देख रहे हैं थोड़ा सा जूम होगा, कैसा जूम होगा, तो इसमें अपन को अपनी फोटो क्लिक करना है इस तरीके से, और इसको आप थोड़ा जूम करके अपना हाथ वाला साइज इस तरीके से दिखा सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। फिर यहाँ से आप छोड़ देंगे उसको, यहाँ से आपको आगे बढ़ना है, तो इसमें भी आपका हाथ दिख रहेगा कोने वाला। तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें अपना आप चाहे तो इसमें आप अपना जूता दिखा सकते हैं ऐसे नीचे से इस तरीके से, ठीक है। तो जो जो आप दिखाना चाहते हैं वो दिखा सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से आपको क्या करना, हल्का सा आगे बढ़ना है, तो फिर से देखिए एक साइड दिख रहेगा कोई सा, ठीक है, तो वो आप दिखा सकते हैं। यहाँ से फिर आगे बढ़ना है तो आपको थोड़ा क्लोज कर देना है इस तरीके से, आपको फोटो में क्लिक करना है और यहाँ से आपको जूम कर देना है, ठीक है।
ताकि आपका फेस बच देखे इस तरीके से ये कर देंगे। फिर यहाँ से आपको क्या करना है, हल्का सा आगे बढ़ना है तो यहाँ देखेंगे आपका हाथ वाला साइज दिख रहा है तो इसमें आपको फोटो में क्लिक करना है और जूम करके आपको इस तरीके से हाथ वाला दिखा देना है, ठीक है। ये हो गया, फिर यहाँ से जूम आएंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं फिर से आपका एक साइज दिख रहेगा जूम वाला, हल्का सा आप इसको क्लोज कर देंगे इस तरीके से ये, और यहाँ से आपको फिर से आगे बढ़ना है, सिंपली छोड़ देंगे। फिर यहाँ से आप अपने देखेंगे आपकी जो फोटो है वो हुई है मिरर फ्लिप हुई है दोस्तों, फ्लिप तो आपको करना है, यहाँ से कर देंगे फ्लिप, फ्लिप हो गया। फ्लिप करने के बाद यहाँ से आपको आगे आना है तो देखेंगे आपकी फ़ोटो में एफएक्स लगा, तो एफएक्स कौन सा लगा है तो आपको यहाँ एफएक्स में क्लिक करना है। यहाँ से आपको ये जूम वाला एक एफएक्स मिलने वाला है, यहाँ पर आपको ढूंढ लेना है जूम वाला ये, ठीक है। इस तरीके से आप एफएक्स लगा देंगे जैसे कि ये लगा है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली जो आपको एफएक्स अच्छे लगते हैं ना वो आपको लगा देना है, जैसे कि जूम वाला है। फिर उसके बाद ये देख रहे हैं ये शेक वाला एफएक्स आएगा, तो इसमें आप चाहे तो देखिए ये फ्लैश लगा सकते हैं इस तरीके से, और आपको यहाँ से आगे आना है तो देखेंगे इसमें आप कौन सा एफएक्स है, तो इसमें देखेंगे एफएक्स मार्क के आप ये वाइट लगा सकते हैं इस तरीके से, और उसका जो पीरियड रहेगा वो आप बीचों बीच में कर देंगे और टिक पे क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ से आपको आगे बढ़ना रहेगा तो देखेंगे इसमें आपकी फ़ोटो क्या हुईगी, थोड़ी सी जूम हो गएगी तो आप जूम कर देंगे। फिर यहाँ से आपको आगे आना है तो देखेंगे इसमें एक और इफेक्ट आता है सेक वाला, फिर इसमें आप कहेंगे फ्लैश वाला एफेक्ट लगा देंगे। फिर यहाँ से आपको आगे आना है तो जितनी भी आप देखिए जो जो एफेक्ट्स लग रहेंगे आपको अपने अकॉर्डिंग लगाना है, जो एफेक्ट्स आपको अच्छा लगता है, ठीक है। इस वीडियो को देख के नहीं लगाना है आपको, क्योंकि इस वीडियो में ढेर सारे एफेक्ट्स लगेंगे, आपको जो एफेक्ट अच्छे लगते हैं अपनी फोटो के हिसाब से वो आपको लगा लेना है। तो जल्दी से मैं अपने एफेक्ट्स लगा लेता हूँ, तो मैंने अपनी सारी फोटोज़ में एफेक्ट्स लगा लिए, तो एक बार मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं आप कितनी अच्छी वीडियो बन जाती हैगी। इस तरह की वीडियो बनाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी दोस्तों आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ आपको एक्सपोर्ट कैसे करना है। ऊपर आपको लिखा मिलेगा एक्सपोर्ट, उसमें आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ से आपकी वीडियो एक्सपोर्ट होना चालू हो जाएगी।